नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज नेटवर्क और इस वक्त हमें खालसा चौक में, जहां पर एक बार फिर से प्रदर्शन जो है वो यहां के रेजिडेंट्स के द्वारा, नानक नगर के रेजिडेंट्स द्वारा वो शुरू हो चुका है। और दिन को भी ये प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली। और वो डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों रास्ते जो हैं यहाँ के, तीनों रास्ते जो हैं, एक ये वाला रास्ता, इस रास्ते को, ये जो नानक नगर को जाता है, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरा रास्ता जो शिवाजी चौक को जाता है उसे भी बंद कर दिया गया है। और तीसरा रास्ता जो सामने है, जहाँ पर अभी लोग खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रास्ता जो गांधीनगर को जाता है, इस रास्ते को भी तार लगाकर ब्लॉक करके बंद कर दिया गया है। और आप ये आपको बता दूं कि आज सुबह पहले चेयरमैन JPDCL और MD JPDCL की टॉक्स हुई, बातचीत हुई जो प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके साथ, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ। उसके बाद वो बैठक बेनतीजा निकली, जो हमने आपको बताया। उसके बाद DIVCOM की तरफ से एक इन्विटेशन आता है इन सभी को कि आप आइए, आपकी कमेटी की तरफ से कोई शख्स आए और वो शख्स आकर बातचीत करें, आप हमारे साथ बातचीत करें ताकि इसका मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन उसके बाद भी वो मसले का हल नहीं निकला। और इस वक्त अगर बात करें, इस वक्त DIVCOM जो है वो खुद वहां पर पहुंचे थे शाम को, कैनाल रोड जो स्थित जो ऑफिस है चीफ इंजीनियर का, वहां खुद पहुंचे थे। वहां पर लगातार टॉक्स चल रही थी जो लाइव सभी पब्लिक के सामने लाइव चल रही थी। और कहीं ना कहीं वो टॉक्स भी कुछ हद तक वहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ खबर सामने आई, लेकिन अभी भी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं की गई है। और इस वक्त यहाँ पर जितने लोग हैं इन सब की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बातचीत करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से, कितनी दिक्कतों का सामना इनको लोगों को करना पड़ रहा है। सर, क्या कहना चाहते हैं, दो बार बातचीत हुई, दोनों बार स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करवा पाई सरकार, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कहने की बात ही नहीं रही, आज दो दिन से लाइट बंद है, कोई हमें पूछने भी नहीं आया। सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए बंद कर रहे, कोई बंदा नहीं आया हमसे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा बात करने नहीं आया। बूढ़े बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, कोई पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं, खाना खाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं। इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब लोग भी अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। अब बताएं, अब किससे हम लोग किससे बात करें? एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी बात नहीं हो रही, हम किससे बात करें जाके? हम लोग प्रोटेस्ट ही कर सकते हो और हमें यहाँ पे कोई पूछने तक नहीं आया कि भाई आप क्यों बैठे हुए यहाँ पे। सुबह जब दिन की अगर बात करें, ये रास्ता पूरा खुला था, लेकिन इस वक्त इस पूरे रास्ते को जो है बंद कर दिया गया है। इसके बाद आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है, या तो बिजली सारी बंद कर दीजिए तो, या फिर हमारे वाली बहाल कर दीजिए। कम से कम इतना तो करिए कि हमारे जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कईयों के पेपर हैं, कईयों के, आप तो बच्चों का भी फ्यूचर यहाँ पे स्पाइल कर रहे हैं, उनके पेपर भी हैं, कोई ऑनलाइन पेपर चल रहा है, कोई वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी सुबह हैं, ना किसी का मोबाइल चार्ज है, ना किसी का कुछ यहाँ पे है। बताइए हम किसके पास जाए? हम लोग यही बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। नहीं, अगर हमने इनका ईगो हर्ट किया है, हाँ जी, तो ये करें, यहाँ पर ट्यूबवेल है, उसमें थोड़ा सा ना पॉइजन डाल दें, हमें भी मार दें, हमारी पूरी फैमिली को मार दें। हाँ जी, बोलिए। देखो, सिर्फ नानक नगर में लाइट नहीं है, ठीक है, बाकी सारी जगह लाइट है, वो कैसी आ गई? हर जगह लाइट नहीं है, जंगा चौक लाइट है, शिवाजी चौक, सर गांधीनगर चले जाएं, गांधीनगर में कई सारे इलाकों में लाइट बंद आपने, वो आज की है बंद, पहले तो नहीं ना बंद की, सारी जगह है। सर, बात ये है कि कुछ नहीं है, जो लाइट बंद है, हमारे युगल किशोर शर्मा जो यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट है इलेक्टेड, वो मेट्रो में झूला खा रहे हैं, उनको मेट्रो प्लेटफॉर्म नए नए बना रहे हैं ताकि लोग फ्री में टिकट लेके मेट्रो का झूला खाएं। उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे लाइट बंद है, यहाँ पे पब्लिक कितनी हरासमेंट हो रही है, कोई बंदा वेंटिलेटर पे है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कई लोग सर्विस करते हैं, ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं, सबका चुपड़ रखा हुआ है, दो कदम दस कदम जाओ लाइट है, ये कौन सा सिस्टम है यहाँ पे? क्या यहाँ के पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले लोग रहते हैं? इस जगह पे आके लाइट बंद के सो गए पे जाके देखो लाइट है? लाइट है उधर। क्या हम लोग टैक्स पे नहीं है? क्या हम जम्मू के सिटीजन नहीं है? हम यही कहते हैं कि हमारे को जो सरकार है बीजेपी की, जो LG की सरकार है, हम कहते हैं कि हमारी यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, हमारी 370 वापिस आए ताकि हम लोग अपनी मनमर्जी से काम कर सकें। ये तो गुंडागर्दी का, ये इन्होंने गुंडागर्दी बता के रखी हुई है। अमन जी, दिन भर से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 2:30 बजे प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हुआ था, आगे क्या करने वाले हैं? क्या यहीं पे आज पूरी रात बैठना है जब तक लाइट नहीं आएगी, या क्या करना है आगे आपका, क्या कदम रहने वाला है? देखिए, जैसा कि मैं पहले सबसे पहले आपके पहले सवाल पे आऊँ, जो मेरे भाई साहब से आपने पूछा था
कि जो बातचीत है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इससे आप देख सकते हो कि सरकार की कितनी नलायकी है, सरकार उनके साथ बैठ के फैसला नहीं कर सकी। हर जगह पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं खाली नानक नगर की बात ना करूं, पर बड़ा अफसोस है कि अभी तक हमारे गांधीनगर के जो आला अधिकारी जो SHO वो भी हमारा हाल तक पूछने नहीं आए कि यहाँ पे आप क्यों बैठे हो। बाकी रहेगी आगे की बात, मैंने सुबह भी ये चीज बोली थी और शाम को भी, अगर लाइट बंद करनी है तो पूरे जम्मू कश्मीर की जाए, हमारे साथ सौतेली माँ जैसा बेहाव ना किया जाए। कल सुबह 10 बजे से लेके इस टाइम तक हमारी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सुबह वॉशरूम जाना है, लोग खाना नहीं खा रहे कि हम वॉशरूम कैसे जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा, इसका जवाब कौन देगा। वो वहां पे जाके पुलिस के अदाली जो बड़े ऑफिसर हैं उनको भेज रहे हैं बात करने के लिए, ये पुलिस का काम नहीं है बात करना। LG साहब अपनी वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का उद्घाटन कर रहे हैं, MP साहब मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। अरे भाई हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, हमें रोजमर्रा की चीज दे दीजिए, बिजली पानी और सड़कें दे दीजिए। ना हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, ना आपकी मेट्रो चाहिए। हमारा फ्यूचर, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो हमारा बुजुर्ग हो, जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं आपके चैनल के राही ये चीज बता देना चाहता हूँ, हमने और आधा घंटा देखना है यहाँ पे। मैंने पहले भी ये चीज बोली थी, अभी भी बोलता हूँ कि अब अगर इसके बाद किसी चीज का भी कोई नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी है एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आधे घंटे के बाद, आधा घंटा और आप वार्निंग दे रहे हैं, लोग घरों से बाहर आने शुरू हो गए हैं, जिनके 2 घंटे को ये इन्वर्टर चलना था वो भी बंद हो चुका है और अब तो लोग बाहर आ चुके हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि ये सारे लोग एक जैसे हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कोई ना कोई बीच में से शरारती होगा जो किसी चीज को नुकसान करने की कोशिश करेगा और उसकी जिम्मेवार ये गवर्नमेंट, ये LG एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हम नहीं है। हमें नहीं कोसा जाए कि आप यहाँ बैठे थे, आपकी वजह से नुकसान हुआ है, ये हम आपके चैनल के राही बोल देना चाहते हैं। कौन क्या करेगा, किसके साथ क्या करेगा, इसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, सारी कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है। जी जी बोलिए। सारी कम्युनिटी हमारे साथ। देखो ये एक सरदार की बात नहीं है, हिंदू भी है इधर, ये नहीं है कि हिंदू नहीं है, हिंदू भी यही बोलना चाहते हैं। अच्छा भी एक ही है, पूछो पूछो सारी कम्युनिटी एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हमारे साथ, हमारे JNK में हरासमेंट करने वाली बात होगी। इधर लाइट जा रही है, यहाँ पर क्यों नहीं लाइट आ रही है, ये तो सोच समझ के इन्होंने बंद की लाइट। हिंदू मुस्लिम सिख है पर नहीं है यहाँ पर, लाइट लाइट सारी बंद हो गया, सारी लाइट पानी नहीं है, मेडिसिन खानी है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? कल को कोई हादसा हो जाए क्या गवर्नमेंट जवाबदेही देगी? है वो कौन सी गवर्नमेंट है जो बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रही है? पब्लिक का इतना इम्तिहान मत ले गवर्नर साहब कि पब्लिक ग्राफ पे उतारू हो जाए। कल को कोई भी हादसा पेश आया इसके लिए गवर्नर साहब ही जवाबदेही होंगे, क्योंकि कल से मजाक बना के रखा है, 48 घंटे होने पे आ चुके हैं, लाइट बंद है। हमें ऐसी स्मार्ट सिटी भैया नहीं चाहिए, हमें ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए जो बिना बिजली के हो, बिना बिजली के हो, हमें ऐसी स्मार्ट सिटी। आज पब्लिक का क्रोच सड़कों तक आ चुका है, लेकिन सरकार की जूं अभी तक सोई हुई है। कब जाएगी सरकार सर? है भाई साहब ने सही कहा कि आधे घंटे के बाद क्या होगा, उसके लिए सरकार जवाबदेही है। पब्लिक तो आक्रोश दिखाएगी ना सर, कल को हादसा हो जाए, कोई बुजुर्ग है, मेडिसिन नहीं, कहाँ से देंगे, पानी नहीं है, लेकिन सरकार को ये चीज समझ नहीं आ रही है। इसमें देखो अगर बंद करनी है लाइट तो सबकी करो, पूरी करो बंद, क्यों एक ही बंद कर दो? सतेला व्यवहार क्यों नानक नगर अलग है? में खुला हुआ और लगातार यहाँ आपने देखे किस प्रकार से ये लोग इस वक्त सड़क के बीच में ये आग जलाकर यहाँ पर खड़े हैं और तीनों तरफ का रास्ता इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और लगातार गुस्सा जो है, आक्रोश जो है, इस वक्त जनता का फूट रहा है, क्योंकि जितनी कुत्ता
और लगातार आपने देखा किस प्रकार से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दूं, इस इलाके का ये जो गांधीनगर जाने की तरफ रास्ता है, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। इस तरफ भी ये तारें लगाकर, मैं आपको बता दूं, ये तारें जो है ये लगाकर इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। और इस प्रकार से, और साथ में स्कूटर्स वगैरह खड़े कर यहाँ पर इस पूरे रास्ते को बंद किया। और ये रास्ता शिवाजी चौक की तरफ जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये रास्ता ये नानक नगर की तरफ जाता है। और इस पूरे रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, और ये पूरा रास्ता इस वक्त बंद है। किसी को भी आना है इसे घूम फिर कर जो है दूसरी लोकेशन से आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जमावड़ा सभी लोगों का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह से दो बार पीडीडी एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी किसी नतीजे पर यह बातचीत नहीं पहुंच पाई है। बेशक डिवकॉम साहब ने आज शाम को बातचीत के बाद ये ज़रूर कहा कि यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन जो नतीजा निकलना चाहिए था, जो कि आम जनता परेशान है यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से, जम्मू का हर एक हिस्से में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है इस वक्त लाइट ना होने की वजह से। और कहीं ना कहीं वो परेशानी दूर करने की जो कोशिश थी वो की जा रही थी, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई नतीजा नहीं निकल सका है। और ये अंधेरा जो है ये सब कुछ बयां कर रहा है। जो भी ये अंधेरा आप देख रहे हैं ना, ये जम्मू की इस वक्त की हकीकत बयां कर रहा है कि जम्मू में इस वक्त लाइट को लेकर क्या हालात हैं। आपके इलाके में लाइट है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस इलाके में लाइट बंद है, कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां लाइट बंद है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त खालसा चौक से लाइव विजुअल्स में आपको दिखा रहा था किस प्रकार से प्रदर्शन इस वक्त यहां इनके लोगों के, जो यहां के रेजिडेंट्स हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, जो इस वक्त तक इस मसले को हल नहीं कर पाई है। और साथ ही साथ यहाँ के रेजिडेंट्स का ये भी कहना था, कम से कम हमने कल से तीन बार अभी तक प्रदर्शन कर लिया है, कोई ना कोई किसी ना किसी को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई शख्स, कोई भी ना SHO आए हैं, ना यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई आया। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, कोई फर्दर अपडेट आप